跑了喽！野龙，有，大家好，龙，龙，野龙，阿威，संभाल के पकड़ो, इसके बोझ तले खुद दब के मत मर जाना, जाओ, तुम लोग क्या देख रहे हो? उठाओ ये शस्त्र और जाओ युद्ध भूमि की ओर। अब वक्त आ गया है तक्षशिला की आवाम धनानंद को झुकते देखने का मजा अपनी आंखों से ले। यही खड़े रहने से तुम लोगों को दया नहीं मिलने वाली। उठाओ ये शस्त्र और सैन्य परीक्षण के लिए अपना नामांकन करो। शीघ्र जाओ, जाओ, जाओ। ए बुढ़े, सुनाई नहीं देता, जाओ जल्दी जाओ। सुनिए काका, आपकी आयु तलवार उठाने की नहीं, पूजा पाठ करने की है। आप यहाँ से सीधा घर जाइए और घर का जो तहखाना है उसके अंदर जाके छिप जाइए, और जब तक ये युद्ध की स्थिति टल नहीं जाती ना, बाहर मत निकलेगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। चलो चलो, अरे जल्दी बढ़ो। हमारा शत्रु हमारे सामने एक और बार आने वाला है। 15 जनपदों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद अब वो धनानंद तक्षशिला की ओर बढ़ रहा है। आप तो जानती है माई, पिछले 5 सालों में वो कितना अधिक बलशाली हो गया। सूर्य झुलसाने लगे ना तो समझ लो चंद्र आने वाला है। यदि धनानंद आ रहा है तो मेरा चंद्र भी अवश्य लौटेगा। नियति ने अपना चक्र चल दिया है स्थूलवत। इतने वर्षों में इतना कुछ बदलते देखा है, परंतु आपका विश्वास बिल्कुल नहीं बदला। मेरा मन भी यही चाहता है कि आपके विश्वास की जीत हो, हमारा चंद्र हमारे पास लौट के आ जाए। 5 वर्ष पूर्व मैंने जो देखा वो गलत सिद्ध हो जाए। ऐसा ही होगा, जो कुछ तुमने देखा था सब असत्य सिद्ध होगा। 12 वर्ष धनानंद के महल में पूरे 12 वर्ष प्रतीक्षा की थी मैंने चंद्र की, तब भी मेरा पुत्र आया था और आज भी मेरा पुत्र लौटेगा अपनी माँ की आस के लिए। हर दीवार हर बाधा को पार करके आएगा मेरा चंद्रगुप्त।